गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन कीजिए, वंदना कीजिए, गुरु जी का लख लख शुकराना कीजिए कि गुरु जी आप पर और आपके फैमिली पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहें और गुरु जी सारी संगत के घर आते रहें। आज गुरु जी सुकेश अंकल जी और पूजा आंटी जी के घर पे आए हैं और गुरु जी का अद्भुत डिवाइन सत्संग आंटी जी अंकल जी के घर पे संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। ऐसे सबको गुरु जी आशीर्वाद दें, सब फले फूले, सब बढ़ें। जय गुरु जी। संगत जी, इस कलयुग में कर्ता पुरुष परमात्मा स्वयं इस धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं। उनकी भक्ति करने से वे काल से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु जी भगवान इस घोर कलयुग में धरती पर पधारे देह रूप में प्रकट हुए हैं। सारी संगत को गुरु जी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। गुरु जी क्षमा सागर के पुरुष होते हुए संसार के हर हालात से गुजरते हुए हमें सदा गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए और गुरु जी की भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए। जब समय मिले तो गुरु जी का मंत्र जाप भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, आइए आगे आंटी जी से सत्संग सुनते हैं और आपसे निवेदन है, यह सत्संग आंटी जी का बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपके अनेकों सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे। गुरु जी कैसे अपने संगत को कल्याण करते हैं। जय गुरु जी। चलिए आंटी जी से आगे का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को अंत तक आपको सुनना है। गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर आज आपको मिलने वाली है। जय गुरु जी। माँ उसको फिर से अपने गोदी में बिठा के सवारती है, दुलारती है और उसको तैयार करती है, लेकिन हम फिर इस दुनियावी मायावी दलदल में फंसकर गंदे होके गुरु जी के पास आते हैं और गुरु जी फिर प्यार से हमें अपनी गोदी में ले लेते हैं। तो ये हमारे गुरु का प्यार हमारे लिए कि वो चाहे हम भूल जाए, चाहे हम मंदिर आ पाए ना आ पाए, लेकिन वो स्वयं हमसे मिलने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए हमारे अंग संग रहते हैं, हमें बार बार अपने साथ जोड़े रखते हैं। ये उनका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी जर्नी तो आप सब लोगों ने सुनी है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से अपनी जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लम्हे जिनमें हम गुरु जी से मिले और गुरु जी से पहली बार मिले, वो कभी भी भुलाने के लिए उस पल को हम भुला ही नहीं सकते। और गुरु जी की ऐसी कृपा बनी रहे कि हम गुरु जी को कभी भी एक क्षण के लिए ना भूलें, गुरु जी ऐसे हमें बख्शीश करें। ये दुनिया ऐसी है कि गुरु जी कहते हैं कि बार बार जब भी गुरु के पास आओ सजदे में उनसे ही मांगो कि हमें बख्श दो, इसकी चिक्कड़ में से हमें निकालो। तो वही अनुरोध मेरा बारंबार है गुरु जी से कि हमें बख्शें, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई उसको बख्शें और हमें इस चिक्कड़ से निकालें बाहर। मैं जब गुड़गांव शिफ्ट हुई थी तो मेरी मुलाकात नूतन आंटी से हुई, वो मेरी फ्रेंड बन गए थे और उनको गुरुजी प्यार से नंदनी बोलते थे। और जब अब वो दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे सत्संग में हमेशा हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो माध्यम जो हमें गुरुजी से मिलाता है वैसे वो गुरुजी ने ही चुना होता है, लेकिन उसको कभी नहीं भुला सकते और उसके बारंबार आभारी रहना चाहिए। तो मैं नूतना आंटी की आभारी हूँ जो मुझे गुरुजी से उन्होंने मिलाया और 3 साल तक सत्संग सुनाए गुरुजी के। लेकिन हम इफ बट में पड़े रहे क्योंकि बहुत सारे बाबाओं और एस्ट्रोलॉजर्स ने हमें बहुत गुमराह किया था कि भी हमारे लिए गाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, तुम्हारा नाम हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, बल्कि और स्थिति जो थी वो बदतर हुई चली जा रही थी। और गुड़गांव में आके हम लोग अकेलापन महसूस करते थे, यहाँ का सिस्टम दिल्ली से अलग था, लोग आपस में बात करना नहीं पसंद करते थे। तो मैं साईं मंदिर जाती थी और मैं साईं का मंदिर ढूंढ रही थी और मुझे साईं का आंगन गुड़गांव में मिला जहाँ पर मैं वीरवार को गाने लगी। तो नूतन आंटी उधर से मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाते थे तो मैं उनको टालती रहती थी कि मैं बाबा में बहुत प्यार मेरा है और
सभी भगवानों को हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे जैसे हमारे माता पिता और सबने बताया है। और उनको मैंने नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मन में ये विचार चल रहा था। लेकिन 3 साल तक आंटी कभी भी थके नहीं, वो गुरु जी के सत्संग हमें सुनाते चले गए। मेरी आवाज क्लियर है क्योंकि मैंने थोड़ा सा माइक ये रखा, ऐसा हुआ है कि भी मुझे लग रहा है कि शायद कम आवाज आ रही होगी। जी आंटी बिल्कुल क्लियर आवाज आपकी। जी थैंक यू। तो मैं आंटी को टालती रहती थी कि हाँ ऐसा है वैसा, हम नहीं जा सकते ये। लेकिन जब मेरा समय आया, गुरुजी ने मेरे मन में प्रेरणा जगाई कि वो आंटी इतने सत्संग सुनाते हैं, तो उनको खुश करने के लिए उनके गुरुजी के दर्शन करने चले चलते हैं। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि भी मेरा जन्मदिन है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने देना। तो इन्होंने कहा कि भी तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है, चलो आज चलूंगा, उसके बाद कभी नहीं जाऊंगा। मैंने आंटी को फोन किया और उनको बोला कि हम आज चलेंगे। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी की गद्दी पे बैठने से पहले हमें वहां पहुंचना है, आज मैं तुम्हारी कार में चलूंगी, मुझे इतने बजे वहां से मेरे घर के आगे से पिकअप कर लेना। मैं कभी भी संगत जी दिन में सोती नहीं हूँ, चाहे कितनी तबीयत भी खराब हो थोड़ा लेट जाती हूँ या कोई दवाई खाई हो। लेकिन उस दिन पता नहीं गुरुजी की क्या मेहर हुई मेरे ऊपर कि मैं लेटते ही सो गई दिन में, और मैं एक ड्रीम देखती हूँ, उसमें मैं छोटे मंदिर पहुंच जाती हूँ, जबकि मुझे छोटे मंदिर के बारे में, वहां के बारे में कुछ नहीं पता था। और मैं पहुंचती हूँ ड्रीम में, वहां गुरुजी एक गोल्डन सिंहासन के ऊपर बहुत सुंदर चोला पहनकर बैठे हैं, और एक ओमकार और ओम वो लाइट में ब्लिंक कर रहा है, ऊपर एक गोल्डन ईगल उड़ रहा है आसमान में। मेरी आंख खुलती है, मैं सोचती हूँ मैं को जहाँ जाना है ये वही जगह है। तो जब आंटी मेरी कार में बैठते हैं, मैं उनसे बातों बातों में पूछती हूँ कि भी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सब वहाँ ये सब है। तो कहती है तेरे को कैसे पता चला, बाकी सब तो ठीक है लेकिन वो ईगल तो नहीं हो सकता ऊपर, क्योंकि ऊपर छत है, तेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए और तू ब्लेस हो गई। और मेरे सर के ऊपर से सब बातें निकल गई, मैंने उसको कोइंसिडेंस में लिया जैसे ये सपना आ गया और ठीक है। तो जब हम वहां पहुंचे और एम्पायर स्टेट में, तो हम जल्दी पहुंच गए थे, मुझे कुछ भी तब वहां के मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम जल्दी पहुंच गए, तो वहां पे संगत नहीं थी, तब कोई लाइन नहीं थी, और मैं नूतन आंटी और मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे, हम लाइन से एक दूसरे के पीछे चलने लगे। गुरुजी बैठे हुए थे एक सेटिंग के ऊपर, कैजुअल वियर्स पहने हुए थे, जॉगिंग शूज, और वहीं से उन्होंने ऐसे दरवाजे की तरफ देखा। तो मेरे को थोड़ी हैरानी हुई कि मैंने सपने में चोले में देखा था बहुत सुंदर, इन्होंने तो कैजुअल वियर्स पहने हुए हैं, लेकिन गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे उन कपड़ों में, और पैर ऊपर करके बैठे थे गुरुजी, मैं भूल नहीं सकती। उन्होंने पूछा कौन है, तो नूतन आंटी बोले कि मेरी फ्रेंड है कि कच्ची पक्की, तो उसने बोला पक्की। तो गुरुजी कहते की कर देने, हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं, कि हो जा गांदे हो, हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, आप सुनोगे तो मालूम चलेगा। तो कहते चंगा बह जा, कितने तक रहने वाला है। इन्होंने बोला गुरुजी मैं जम्मू दा, मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, मुझे आवाज आई। गुरुजी कहते तू तो अम्बाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। मैंने ऐसा देखा पीछे तो गुरुजी मेरे को ही बोल रहे थे। संगत जी मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं सिख बॉर्न बच्चा थी, लेकिन मेरी मासी उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, वो हिंदू फैमिली में भी आए हुए थे। तो इस बारे में हमने किसी को ज्यादा शेयर नहीं किया था, मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड्स उनको पता था, जो कि सब बिछड़ चुकी थी। कॉलेज में मैंने किसी से इतनी बात नहीं करी कभी, क्योंकि मैं 1 साल कॉलेज गई थी, उसके बाद नॉन कॉलेजेट हो गया था। देन शादी हुई तो मैंने अपने लॉस तक को नहीं बताया था कि मेरी क्या स्टोरी है। तो मेरे अंकल को पता था, लेकिन हमने कभी जरूरी नहीं समझा कि हम किसी को कुछ बताएं। और मैं सोचने लगी कि शायद मैंने अपनी कोई बात जो है वो नूतन आंटी से शेयर करी है क्या, ये सोचते सोचते बैठ गई। इतनी देर में कोई अंकल आए, उन्होंने मेरे हाथ में चाय प्रसाद का गिलास पकड़ा दिया
और मैं उसको पीने लगी। तो जैसे मैं पी रही थी तो मुझे लगा कि मेरे गले में एक प्रॉब्लम थी जो सिंगर के लिए बहुत ही तकलीफदायक थी, और उसके लिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी थी, हर तरह की, किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिलता था। लेकिन उस पल ऐसा लगा कि जैसे वो चाय प्रसाद जो मैं पी रही हूँ वो मेरे गले को बहुत राहत पहुँचा रहा है। तो मेरे को लगा कि ये अभी इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है तो ये टाइमली रिलीफ है, उसके बाद वैसे ही हो जाएगा। लेकिन संगत जी, वो चाय प्रसाद जिस दिन से मैंने पिया उस दिन के बाद से लेके मुझे वो तकलीफ कभी भी नहीं हुई गुरु जी की कृपा से। तब ये नहीं पता था कि ये चाय प्रसाद है, तब हमें लगता था कि हम चाय पी रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने समझ बख्शी, सत्संग सुने, मालूम चला कि गुरु जी का ये डिवाइन प्रसाद है, और धीरे धीरे इस प्रसाद की अहमियत पता चली। फिर लंगर आया, शब्दवाणी चली पहले, और उसके बाद लंगर आया। लंगर में मिर्चे वो सब खाई, वो गुरु जी की अपनी अलग तरीके की ब्लेसिंग थी जो उन्होंने हमें देनी थी। फिर हमने लाइन में लग के हाथ धोए, उसके बाद हम वहीं से जाने लगे थे। जल प्रसाद भी बाहर मिला हमें। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बता रही हूँ, सत्संग तो ये काफी लंबा है, लेकिन जैसे ही किसी ने देखा कि हम जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि आप अभी जा नहीं सकते, अभी गुरु जी से आज्ञा लेनी है। तो हम फिर से लाइन में लगे, मैंने मत्था टेका, गुरु जी कहते ऐश करो आंटी, अंकल ने मत्था टेका तो गुरु जी कहते वीरवार नु आई ते 5:15 दा सोने दा ओम बना के ले आई। हमने एक दूसरे को देखा कि भी शायद ये बाबा जी भी सबसे दक्षिणा के रूप में सोने का ओम लेते होंगे, ये इनका अपना तरीका होगा। और हम जब गाड़ी में पहुंचे, हम दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। बच्चे अपने तरीके से तंग कर रहे थे कि हमें बहुत मिर्ची लगी, ये है वो है सब करके। तो उस दिन इतना पता नहीं था कि भी ये लंगर प्रसाद है या कैसे, हमें जाना है कहीं, रुकना है कि नहीं रुकना, इतना नहीं मालूम था। तो लड़ाई हुई खूब घर जाके। नेक्स्ट डे नूतन आंटी का फोन आ गया कि भी तू तो बहुत ब्लेस्ड है, जैसे गुरुजी ने ऐसी बात करी। वो जो पुरानी संगत होती थी वो ऊपर उनको भेज दिया जाता था, गुरुजी हमसे क्या बात कर रहे हैं उनको नहीं पता चलता था। तो उन्होंने मुझसे सारा पूछा और उसके बाद कहा कि भी आप ये सब करें जो गुरुजी ने बताया। तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकूंगी, मेरे घर में पहले ही बहुत लड़ाई हुई है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं है तो करना पड़ेगा। हमने सोच के कि भी कोई वहम ना रह जाए, तो हम एक तरह से उसको वहम की तरह ले रहे थे कि भी पहले ही वर्स कंडीशन चल रही है और अगर हमने ये नहीं किया तो शायद कहीं कुछ और बुरा ना हो जाए। तो हम लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया और गुरुजी के पास वीरवार को पहुंचे। तो जैसे ही वीरवार को वहां पहुंचे तो हम लाइन में लगे थे, गुरुजी ने दूर से देखा था, कहते ले आई, हमने कहा हाँ जी। तो हमने एक दूसरे को देखा कि गुरुजी को याद है कि इनसे ओम लेना है। तो हम आगे पहुंचे तो हमें समझ आ गया कि गुरुजी ने तो ये ब्लेस करके वापस दे दिया है, शायद एज अ सिंगर नजर वजर के लिए या कुछ और। तो मैं एकदम से बोली गुरुजी को, गुरुजी मेरे वास्ते, गुरुजी कहंदे थोड़ा इको कनेक्शन हैगा। मैं एकदम से हैरानी से देखती रही, मन में बुबड़ किया है, तो आना नहीं चाहते थे। पंजाबी मेरे को थोड़ी समझ नहीं आई थी, लेकिन आसपास के लोगों ने समझाया कि भी आंटी एक जना ब्लेस होता है तो दूसरा ब्लेस हो जाता है। मैंने मन में बुबड़ किया कि ये तो आना ही नहीं चाह रहे थे, और चलो कोई बात नहीं, हम बैठ गए। लेकिन एक फेथ ये हो गया था कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसा हमने सोचा था। आज हम गुरुजी से नतमस्तक होके उन सब चीजों के लिए सॉरी बोलते हैं कि हमारे मन से विचार आए, क्योंकि वो समय ऐसा चल रहा था कि हर तरफ से ऐसे ही न्यूजें आ रही थी, और काफी जो पिछला हमने अनुभव किया था उसकी वजह से हमारे मन में वो छवि बनी हुई थी। तो गुरुजी भी जानते थे कि हमारा तो हृदय सही है, लेकिन उन्होंने हमें ब्लेस करना था, उनका अपना तरीका था, उन्होंने अंकल को कैसे जोड़ना था, कैसे ओम ब्लेस करके देना था, ये उनको पता था। तो हम जाने लगे। तीसरी चौथी बार में गुरुजी ने कहा कि बच्चे नहीं लेके आने हैं, बच्चे आप घर छोड़ कर आए। कर्नल जोशी अंकल ने समझाया कि अंकल आंटी आप आया करो,
बच्चों को घर छोड़ के आया करो। तो मन में चिंता रहती थी कि बच्चे छोटे हैं, छोटा 5 साल का है, बड़े दोनों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं 10th और 12th, तो कैसे होगा कैसे। चलो कोई नहीं, ऐसा सोच के हम बच्चों को छोड़ देते थे और गुरु से मिले बिना रहा भी नहीं जाता था। वहां जाकर बहुत शांति मिलती थी, शब्द चलते थे, लंगर खा के और तृप्ति हो जाती थी, फोन साइलेंट रहते थे कुछ देर के लिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी दुनिया की। तो ऐसा लगता था कि भी जन्नत है और यहीं बैठे रहो, यहां से निकलो मत। लेकिन समय आता था कि हमें जाना पड़ता था घर वापस, और फिर से वही समस्याएं शुरू हो जाती थी। एक दिन अंकल खड़े थे पीछे, उन्होंने बोला आज आपको सत्संग सुनाते हैं। मुझे लगा कि शायद ये कोई मंत्र कहानी या कुछ प्रवचन सुनाएंगे जो गुरु जी ने उनको सिखाया होगा। तो कहने लगे मैं डॉक्टर हूँ एम्स में, और मैं थायराइड का डॉक्टर हूँ, मुझे अस्थमा है, और मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाता हूँ और मैं ठीक रहता हूँ। तो हम दोनों के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आई और हमने एक दूसरे को देखा। हमने सोचा कि गुरु जी ने एक PR टीम अपनी सेट कर रखी है सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए। अकल नहीं थी, हम नादान थे, अपने अपने दिमाग चलाए जा रहे थे कि भी, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि दिमाग अपना बाहर छोड़ के जाओ, और हम फिर भी साथ लेके जाते थे। बड़ी हैरानी हुई कि भी वो डॉक्टर हो के ऐसी बात कर रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी कहते हैं कि आज थोड़ा गाना सुन दे। मेरे अंकल कहने लगे कि गुरु जी मैं तो बाजा नहीं लेकर आया। वो बाजा कितने है? घर। घर कितने है? गुड़गांव। ते गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक के लिया बाजा, आंटी नू इत्थे छड़ जा। गुरु जी ने मेरे को आंख से इशारा किया, मैं समझ गई कि गुरु जी कह रहे इधर बैठ जा। तो मैं सिंहासन के राइट साइड जाके बैठ गई, लेकिन मन में इतनी चिंताएं थी कि गुरु जी पता नहीं कितनी देर में अंदर चले जाएंगे या क्या होगा, अंकल पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बाजा लाएंगे कि नहीं लाएंगे, या आएंगे तो डायरीज नहीं लाएंगे, मैं गुरु जी को क्या सुनाऊंगी, मेरे को तो भजन आते नहीं है, और दो भजन आते हैं, दो शब्द आते हैं, उसके अलावा गुरु जी ने बोल दिया तो मैं क्या सुनाऊंगी। ये सब चिंताएं लेके मैं वहां गुरु जी के पास बैठी हुई थी, तभी मेरा ध्यान ऐसे गया कि उस दिन मेरा फेस संगत की तरफ था, और वैसे तो हम गुरु जी की तरफ फेस करके बैठते थे, इस बार मेरा फेस संगत की तरफ था। तो मेरे दृष्टि गई तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत VIPs बैठे थे, और बॉलीवुड के लोग थे, कुछ मिनिस्ट्रियल लेवल के थे। तो मैं थोड़ी सी और नर्वस हो गई कि मैं इन सब लोगों के बीच में क्या गाऊंगी। क्या हुआ है ये अपने आप में एक सत्संग था संगत जी की। उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रही थी और 1.5 घंटा हमें जाम में लगता था एम्पायर स्टेट पहुंचने के लिए RDCT से। तब हम RDCT में रह रहे थे, तो कैसे 15 मिनट में बाजा लेकर अंकल पहुंचे, ये अपने आप में एक सत्संग है जो उस समय हमारे दिमाग ने काम नहीं करा, लेकिन बाद में हम सोचते ही रह गए इस चीज को। लेकिन कभी गुरुजी से कुछ पूछा नहीं कि ये हुआ क्या। तो जैसे ही बाजा आ गया तो गुरुजी ने इशारा किया कि अभी रुक जाओ। फिर मैंने नोटिस किया कि काफी सारी संगत चली गई, कुछ संगत रह गई। तब गुरुजी ने कहा कि बाजा कर लो। नहीं, गुरुजी ने पहले बोला कि लंगर करो। हमने बोला गुरुजी हमने खा लिया खाना। गुरुजी कहते डबल ब्लेसिंग हैगी, डबल लंगर करो। तो हम दोबारा खाने बैठ गए, मन में सोच रहे थे कि भी कैसे खाएंगे और कैसे गाएंगे इतना सारा लंगर करके, क्योंकि घर में 2 रोटी भी खाते हैं संगत जी तो काफी होती है, लेकिन गुरुजी महाराज इतनी इतनी ब्लेसिंग्स देते थे हमें, इतना लंगर कराने के बाद भी वो कहाँ चला जाता था पता नहीं चलता था। तो उस दिन गुरुजी ने डबल लंगर कराया। लंगर करने के बाद गुरुजी ने जब बोला कि बाजा निकालो, तो अंकल ने एक गजल सुनाई, मैंने सर ढक के शब्द सुनाया प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। और प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे गाने के बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं भजन सुनाऊं। गुरुजी कहते शब्द भजन सुन के मैं बोर हो गया, सारा दिन यही तो सुनना, तू लता दा गाना सुना मैनू ओल्ड जिया। तो मैं
अंदर से खुशी हुई मुझे कि मेरे लिए आसान था लता जी का कोई भी गाना गाना, लेकिन एकदम से मैं थोड़ी नर्वस भी हो गई कि मैं गुरु जी को क्या सुनाऊं लता जी का गाना, और मेरे हाथों से पसीना छूटना शुरू हो गया, मैं बहुत नर्वस हो गई। मैंने जल्दी जल्दी नेक्स्ट देखा तो उसमें मेरे को लता जी का तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा गाना दिखाई दिया। मैंने अंकल से पूछा कि मैं ये सुना दूं, अंकल कहते हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने वो सुनाया। संगत जी वो मैंने काफी साल बाद गाना उठाया था, कोई स्केल फाइनल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, और मैंने गाया, और मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने वो ठीक ठाक ही गाया और गुरु जी को पसंद आया, गुरु जी ने काफी ब्लेसिंग्स दी और फिर कहते कल फिर आ जाई। तो इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग देने का। वो गाने सुन सुन के हमारा कल्याण कर रहे थे, लंगर खिला खिला के कल्याण कर रहे थे हमारा, और संगत से संगत में बिठा बिठा के हमारा कल्याण कर रहे थे। समझ नहीं थी, हम अपने दिमाग से चलते थे, गुरु जी अपना दिमाग अपनी लीला कर रहे थे। तो धीरे धीरे पता चलने लगा जब संगत में बैठने लगे, कुछ कुछ संगत सत्संग सुनते थे हम। एक दिन गुरु जी कहते आज आंटी थानू अपना बाजा सुनाइए। तो हमने सोचा गुरु जी बाजा बजाते होंगे, मोस्टली जहां भी जाते थे हम हर बाबा को गाने का या कुछ बजाने का शौक होता था, तो हमें लगा गुरु जी भी बाजा बजाते होंगे। फिर काफी देर तक बैठे रहे, कोई बाजा तो वहां पे आया नहीं। फिर हमने सोचा कोई आर्टिस्ट आ रहा होगा, वो बाजा बजाएगा। फिर गुरु जी ने किसी सरदार जी को इशारा किया, वो खड़े हो गए, उन्होंने प्रणाम किया गुरु जी को और संगत को भी, और कहने लगे कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी और मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सर्जरी के लिए बोल दिया था। मैंने उसको बोला कि मैं गुरुजी के पास आशीर्वाद लेके फिर सर्जरी कराने आऊंगा, और गुरुजी ने आके मेरी जब मैं गुरुजी के पास आया तो उन्होंने कहा कल्याण किया, कल जाके चेक करा ली, तेरी ब्लॉकेज खोल देती है बिना सर्जरी। तो गुरुजी बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि ध्यान से सुन ध्यान से सुन, मतलब उनकी आंखों के इशारे से मुझे ऐसे कह रहे थे कि थोड़ा और ध्यान से सुन, लेकिन मैं ऐसे कर रही थी ऐसे कि पता नहीं क्यों गुरुजी इंसिस्ट कर रहे हैं और ऐसे कैसे हो सकता है कि भी बिना ऑपरेशन के हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी, यकीन ही नहीं हो रहा था। हम एक दूसरे को देख रहे थे कि और गुरुजी खुश हो रहे थे अपनी ये लीला सुन के कि भी मतलब मैंने देखो ये करा, तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुछ मतलब कन्विंस करने के लिए संगत को अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए शायद ऐसे कर रहे हैं। लेकिन संगत जी ये सत्संग तो हमने तब सुन लिया, लेकिन जब काफी दिनों बाद मुझे ध्यान में आया कि उन दिनों मेरी एक हार्ट की प्रॉब्लम के लिए मुझे एक आधी गोली डॉक्टर देता था कि भी आपको ब्लड थिनर होगी शायद वो, तो ये आपको रोज खानी है। तो हो सकता है कि उस वक्त मेरे को ये प्रॉब्लम होने वाली हो और गुरुजी ने मेरा वो कल्याण किया हो, तब समझ ही नहीं थी कि ऐसा सब कुछ होता है और हमने इसको ऐसे हल्के में ले लिया। तो आज जब समझ आई है तो मालूम चलता है कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते, गुरुजी के जो संसार में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, हर चीज पॉसिबल है, जहां साइंस फेल होती है वहां गुरुजी शुरू होते हैं। तो उन सब नादानियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुजी से कि वहां बैठ के भी हमने गुरुजी को नहीं समझ पाए या उन्होंने नहीं समझने दिया, जैसी भी उनकी लीला थी वो चाहते तो पल में ही हमें अपने संपूर्ण रूप के दर्शन करा के सूर्य बख्श सकते थे, लेकिन उन्होंने टाइम लिया या हमें टाइम दिया कि समझो और मेरी लीला को समझो जानो, या हम इस लायक ही नहीं थे कि भी हम समझ पाते ईश्वर की लीला को। जब समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब गुरु जी की टाइमिंग है उनकी जो प्लानिंग है उसके आगे हम नतमस्तक हैं और उनकी रजा में राजी हैं कि जब उन्होंने चाहा तब जो होना था तब हुआ। तो ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि हमारी आपस में घर में बहुत डिस्कशन होती थी, कई मामलों में अंकल मुझे बोलते थे हमारे पास काम नहीं है, गुरुजी के सत्संग तो सुनते हैं और कैसे होगा कैसे चलेगा, खाली जाके वहाँ बैठ जाने से या लंगर करके आ जाने से थोड़ा मतलब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरा मन ऐसा करता था कि मतलब मैं रोज जाऊँ गुरुजी के पास,
इतना, जैसे मेरे को लगता था कि मेरा मायका है, मैं वहां जाती हूँ, मुझे थोड़ी देर की रिलीफ मिलता है। संगत जी, मेरे पास कोई जगह नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स अपने नहीं थे, और जो रियल ब्रदर सिस्टर थे वो बहुत दूर थे, और सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। तो एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही पता नहीं क्यों बातों बातों में बोल दिया कि तेरे रिश्तेदार काम नहीं आने, संगत तेरा परिवार है, अयो तेरे काम आना है। मैंने सोचने लगी कि गुरुजी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आज जब मुड़ के देखती हूँ तो गुरुजी ने कितना सुंदर परिवार दे दिया है, जिसमें सभी ऐसे लगता है कि अपने हैं। कोई बिछड़ी हुई सोल्स थी जो हमसे बिछड़ चुकी थी और संगत के रूप में हमें मिल रही हैं, और मुश्किल के वक्त वही काम आ रही हैं, बाकी कोई काम नहीं आ रहा, बाकी सब यूजर्स हैं। तो ये गुरुजी के जो वचन उन्होंने कहे वो सब एक एक हो के सामने आ रहे हैं, और एकदम से याद आती है गुरुजी की, और फिर आंखें भर आते हैं कि अभी जो भजन भी चला कि मेरा मेरा कर दी सी, मेरा नहीं सी कोई, तेरा तेरा रटन लगी था, मैं भी तेरी हुई। तो गुरुजी ने सारी दुनिया दिखा के ये बोला कि कौन आया तुम्हारे काम, है ना, बिना गुरु के। और यही हाल हुआ कोविड में कि जब सांसें भी नहीं आ रही थी और कोई अपना था भी नहीं पास में, तब उस वक्त कौन काम आया, सिर्फ गुरु, है ना। तो इसलिए हमें अपने गुरु का नाम ही जपना चाहिए, उन्हीं से सोझी मांगनी चाहिए कि वही हमें राह दिखाएं, सच्ची राह दिखाएं, और हम उनकी राह पे चलें। संगत जी, मेरे को एक और सत्संग याद आ रहा है कि मैं बच्चों के लिए, ये मैं सुना चुकी हूँ, कोई बात नहीं फिर भी सुना देती हूँ। मैं बच्चों के लिए ऐसे ही खाना बना के चली गई जल्दी जल्दी, और जब मेरे पास लंगर सर्व हुआ तो बहुत तरीके की मिठाइयाँ, और काफी उस दिन कोई फंक्शन भी था तो काफी अच्छा लंगर था। मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया, मैं चुपचाप खाते खाते सोच रही थी कि बच्चों ने पता नहीं कैसे खाना खाया होगा। तो ये लंगर करके काफी देर बाद मैं गुरुजी के पास बैठी थी, गाने वाने भी सुना दिए गुरुजी को। उसके बाद जब मैं जाने लगी तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और कहने लगे, ए बच्चियां वास्ते ले जा। संगत जी, मिठाई का डिब्बा वहां पर था ही नहीं, वो कहाँ से आया आज तक मुझे समझ नहीं आया। ऐसे हवा में हाथ लहराया गुरुजी ने और मिठाई का डिब्बा गुरुजी के हाथ में था, और मैं लेके पागलों की तरह से, कुछ नहीं मैंने सोचा ये कहाँ से आया, क्या हुआ, पता नहीं मुझे अंधा कर दिया था गुरुजी ने, क्या किया था उनकी लीला वो ही जाने। और मैं आके कार में बैठ गई, और मेरे को ऐसा लगता रहा कि वो 1 किलो का डिब्बा जो है वो 2 किलो 5 किलो ऐसे बढ़ता जा रहा है, 10 किलो 20 किलो। मैं मेरे से राहत नहीं गया, मैंने अंकल को बोला कि ये पता नहीं मिठाई के डिब्बे में क्या है जो इतना भारी भारी क्यों लग रहा है, मैं इतनी थक गई हूँ क्या। तो ये कहने लगे मजाक के मूड में कि गुरु जी को पता चल गया होगा कि हमें नोटों की जरूरत है, इसलिए इसमें नोट भर दिए होंगे। और मेरी इनसे लड़ाई शुरू हो गई कि भी तुम्हें हर जगह नोटों के सपने आते रहते हैं। और हम लड़ते झगड़ते घर पहुंचे, बच्चों ने जैसे दरवाजा खोला, कहते मम्मी आपके अंदर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। हम गुरुजी को छूते थे जैसे चरण या हाथ, जब भी गुरुजी की कृपा होती थी तो वो मौका हम छोड़ते नहीं थे, और गुरुजी के फीट टच कर लेते थे, हाथ टच कर लेते थे, तो एक फ्रेग्रेंस जो गुरुजी के पास से आती थी वो हाथों से आनी शुरू हो जाती थी, वो काफी हाथ धोने के बाद भी नहीं जाती थी। तो हम सोचते थे कि गुरुजी कोई बहुत बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं जो कि अच्छा कंपनी का होगा, कोई ब्रांडेड होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है। दिमाग कई जगह पे इतना फेल हो जाता था कि वो गुरुजी की लीला होती होगी कि हमें समझ ही नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि गुरुजी के हाथ से हमने वो डिब्बा लिया है, और मैंने उसको काफी देर से अपने ऐसा सीने से लगा के रखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा बच्चों को फील हो रहा होगा। जल्दी से हमने वो मिठाई का डिब्बा खोला, उसमें देखा बेसन के लड्डू थे, और वो उसमें से बहुत अच्छी रोज की फ्रेग्रेंस आ रही थी, और पूरे घर में वो फ्रेग्रेंस फैल गई, और हमने और बच्चों ने सब ने मिलके वो खाए, और काफी दिनों तक वो फ्रेश रहे। नहीं पता था कि वो डिवाइन प्रसाद है या उसको बचा के रखना है, नहीं गुरुजी की आज्ञा हुई होगी, तो ना हमने पूछा किसी से, और गुरुजी ने खूब खूब ब्लेस किया, वो हमने काफी दिन तक खाए। फिर ऐसे एक दिन गुरुजी के पास बैठे हुए थे, गुरुजी ने
अंकल से पूछा कि क्यों मुंह लमका के बैठे हो, बैठे हुए सिंहासन पे थे और हम एम्पायर स्टेट की दीवार के साथ सट के बैठे हुए थे। वहीं से गुरुजी ने ऐसे दूर से पूछा क्यों मुंह लमका के बैठे हो दोनों जने, तो हमने ऐसे ही घुटने घुटने चल के गुरुजी के सिंहासन के दोनों तरफ बैठ गए, एक तरफ अंकल एक तरफ मैं। तो अंकल कहने लगे गुरुजी मेरा नाम नहीं हुआ, 25 साल हो गए मेरे को जम्मू से आए हुए। तो गुरुजी कहते हाले रुक जा 1.5-2 साल मेरे को तो हो नहीं आया ना। तो अंकल का मुंह छोटा सा हो गया कि भी अभी 1.5-2 साल और रुकना पड़ेगा, तो मायूस से हो गए। फिर गुरुजी कहते जा बाजा कट के ले आ। तो बाजा कट के ले आए तो अंकल ने जब एक पंजाबी गाना सुनाया, बड़ा हाई पिच का था, संगत ने ताली बजाई तो गुरुजी कहते जा संगत ने सुन लिया तेरा नाम हो गया। गाड़ी में अंकल मेरे को कहते हैं कि भी 20-25 लोग बैठे थे यार हैं, और गुरुजी कहते हैं तेरा नाम हो जाए, इस संगत के सुनने से नाम हो जाएगा, या ऐसे कैसे नाम हो जाएगा, इतनी कंसर्ट गाई हमने, बाहर गए सब कुछ हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी की लीला, गुरुजी जाने, कभी फिर कभी पूछ लेना गुरुजी से कि कैसे मतलब ये आपने कहा। तो संगत जी आज आप देखिए हमारी कोई औकात नहीं है, कोई हमारा इतना अच्छा गाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, और गुरुजी की कृपा से आप सब जानते हैं इतना मान सम्मान देते हैं और इस योग्य समझते हैं कि मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर सकूं और भजन गा सकूं, तो ये सब गुरुजी की कृपा है, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। पिछले दिनों एक जूम प्लेटफॉर्म पे मुझे किसी ने इनवाइट किया था तो मैंने उसमें अपना गाया हुआ ये भजन सुना जर्रा जर्रा, तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि अच्छा ये मैं लिख पाई, मैं कर पाई, नहीं नहीं ये मैं हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ गुरुजी लिखवा सकते हैं और गुरुजी ही कंपोज करा सकते हैं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। और आंखों में आंसू भर गए मेरे कि मतलब ये इतनी क्रिएटिविटी की तो मैं हकदार ही नहीं थी, ये तो सब गुरुजी ने कराया। और फिर से गुरुजी ने ऐसे कहते ना एक इंजेक्शन पहले भी भरा था मेरे अंदर कि भी मैं जैसे रियाज नहीं करती थी कुछ नहीं थी, तो गुरुजी को सुनाने के चक्कर में मैंने फिर से रियाज करना शुरू कर दिया। मैं अपने पूरे दिन भर के शेड्यूल से, जबकि मेरे सब नौकर ड्राइवर सब मेरे से छिन चुके थे, सारा काम मुझे घर का करना पड़ता था, और मैंने उसमें से भी टाइम निकाल के रियाज करना शुरू किया कि आज मैं गुरुजी को ये सुनाऊंगी, आज गुरुजी को वो सुनाऊंगी, और इस तरीके से गुरुजी ने मेरे को फिर से जिंदा किया एक आर्टिस्ट के रूप में। तो मैं उठी और मैंने रियाज किया और गुरुजी के लिए सारे गाने तैयार किए, पुराने पुराने सॉन्ग्स कि गुरुजी को लता जी के गाने अच्छे लगते हैं, पंजाबी अच्छे लगते हैं, तो मैं तैयार करने लगी। लेकिन वहां जाकर क्या ब्रेन वॉश होता था मेरा कि मैं घर से कुछ रिहर्सल करके जाती थी और वहां जाके माइंड चेंज हो जाता था कि भी नहीं मैं तो ये गाऊं, तो अंकल गुस्सा हो जाते थे कि भी तू घर से क्या तैयार करके आई है, यहाँ पे क्या गा रही है। तो मेरे मतलब मैं मेरा दिमाग मेरे इख्तियार में नहीं था, वो गुरुजी कुछ ऐसा करते थे कि मैं कुछ और गाने लगती थी। तो हो सकता है संगत जी की गुरुजी ही चाहते हो कि मैं वो गाने उनको सुनाऊं, या उनकी इच्छा जो होती होगी। किसी संगत ने मुझे बताया कि जब आप घर से निकलने वाले होते थे तभी गुरुजी बोलते थे साज और आवाज चल पड़े, आज की सुनिए। तो उन्होंने जब संगत ने मुझे ये बताया तो मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मेरे बारे में बात करते हैं, है ना, वो जगत के पालनहारे जो सारी दुनिया का ख्याल रखते हैं वो मेरे बारे में बात करते हैं। तो मन में इतनी खुशी हुई, आंसू से आ गए कि भी वो इतना प्यार करते हैं, क्या उनको कमी है कि उनके पास कोई आ सके, है ना, कोई भी हाजिरी लगाने के लिए उनके पास, जिसको आवाज देंगे वो ही रातों रात उठ के चला जाएगा। लेकिन उस मेहरबान की, उस पालनहारे की हम पर इतनी कृपा दृष्टि हुई कि वो हमें अपनी सेवा में ले लें कि भी हमें हम उनको कुछ सुना सके, है ना, उनको उनका मन खुश हो हमारी आवाज से, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती संगत जी। और इस इतनी पावन सेवा के लिए मेरा तो जन्म सफल हो गया है, जैसे मेरे को अब कुछ मिले ना मिले मैं इसी में बहुत खुश हूँ। और इन्हीं पलों को याद कर करके मैं अपनी जिंदगी जो है गुरुजी के चरणों में बिताना चाहती हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है कि वो संतोष धन भी दे देते हैं साथ साथ अपने भक्तों को कि
कि वो जिस हाल में है जैसा भी है बस गुरु जी का शुक्राना करें। वो अंतिम शब्द जो गुरु जी के उन्होंने 27 मई को बोले थे कि गुरदासपुर के लोग किसी भी हाल में रहे वो भगवान का शुक्राना करते हैं, है ना। तो वही हमें भी करना है कि हर पल पे हमें शुक्राना करना है, हम चाहे जिस भी हाल में, हम बीमार हो, खुश हो ना खुश हो, तो परमात्मा ने तो हमें इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। गुरु जी ने हमें इतनी झोलियां भर भर के दी है, हमारी न्यू लाइफ हमें इतनी बार दी है, घर को संभाले रखा है, कोविड में सबको संभाले रखा है, तो हर मिनट पे हर श्वास में हमें शुक्राना करना चाहिए गुरु जी। ऐसे भगवान हमें मिले हैं जो कि जीवन दान देते हैं, सेहत दान देते हैं, जिसकी जो जरूरत है उसको देते हैं, जो उसके लिए अच्छा है, तो उस परमात्मा का बारंबार शुक्राना हम जितना करें उतना कम है। सत्संग मुझे बहुत सारे याद आ रहे थे, सोचा था कि मैं आज ये सुनाऊंगी वो सुनाऊंगी, लेकिन जब वही गुरु जी की मर्जी है कि जैसे वो चाहेंगे कि वही मुझे याद आएगा। एक बार अंकल ऐसे ही बैठे हुए थे, तो अंकल वो तैयार करके लेके गए थे शिव बटालवी जी का वीरा द सुल्तान एल्बम है, तो अंकल ने सोचा कि मैं ये गुरु जी को सुनाऊंगा तो गुरु जी खुश होंगे, ये अच्छे से अपना वो तैयारी करके गए, गुरु जी ने जैसे आज्ञा दी तो ये गाने बैठे। तो अब वो तो भगवान है, उनके पास अपनी समस्या लेके सब लोग आते ही हैं, तो कुछ वीआईपी उनको घेर के बैठ गए और अंकल गा रहे थे। तो अंकल ने मेरे को बड़े निराशा की दृष्टि से देखा कि भी पता नहीं गुरु जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, और सारी संगत ने उन्हें घेरा हुआ है। इतनी देर में गुरु जी ने सब लोगों को हटा के ऐसे जगह बनाई और वही से इनको कोने से ऐसे करके देखा, तू गांधर है आज तेनु ही ब्लेस कर रहा, तो ये है परमात्मा, उनको सबके मन की बात पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। और आज भी ऐसा होता है कि भी जो हम मन में सोचते हैं, हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो गुरु जी कोई ना कोई ऐसा वसीला बना देते हैं कि आप खुश हो जाए। जैसे आज मैं बहुत उदास थी, मेरा मन भी उदास था, और ऐसा लग रहा था कि भी बहुत दिन हो गए मंदिर भी गए हुए, तो कैसे कब जाना होगा, तो मंदिर से कॉल आ गई और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सत्संग करने का मौका गुरु जी ने दिया, और ऐसे ही एक शब्द चला और वैसे ही मन में एकदम से शांति छाती चली गई। तो ऐसे हैं गुरु जी, उनको पता कि कब किसको कैसे दर्शन देने हैं, कैसे उनको जोड़ना है, कैसे उसका उद्धार करना है, ये परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो आत्मा को अच्छे से पढ़ते हैं, वो दिलों की बातों को जानते हैं, वो बहुत ही दयालु। अंकल ने वो लिखा है ना एक भजन, मिटाते हैं दिल से दुखों के अंधेरे, बड़े ही दयालु हैं गुरु जी मेरे। तो वाकई गुरु जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मैं उनका शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। उसके लिए हम चाहे कितने ही भजन बना लें, कितना ही कुछ लिख लें, वो सब सब कहते ना एक उसकी लिमिटेशन है, वो उससे भी अपरंपार है। एक कर्नल जोशी जी श्लोक बोलते हैं बहुत अच्छा है, सात समंदर की मस्ती करूं लेखनी सब बन रहा है, सब कागज ऐसे कुछ है, मैंने गाया भी है इसको, अभी मैं भूल गई हूँ उसको, कि गणेश भगवान लिख रहे हैं, सरस्वती जी बोल रहे हैं, लेकिन वो कृपा जो है वो उनका ईश्वर का वर्णन, उसकी कृपा का वर्णन हम कागज में नहीं कर सकते, हम लिख के नहीं कर सकते, उनका हम बोल के भी नहीं कर सकते, बस मन ही मन हम अपने आप को उनको अर्पित करके, है ना। कई बार जैसे मेरे को लगता है कि मन में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, या कुछ राह नहीं दिख रही हमें, या हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उस समय मन को एकदम शांत करके गुरु जी पर छोड़ दे, वो ही अपने आप कोई ना कोई बस सीला निकालते हैं और हर राह बनती चली जाती है। ऐसे हैं गुरु जी। तो संगत जी, मैं अब आज्ञा देना चाहूंगी, आज्ञा लेना चाहूंगी सॉरी, और अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर की, थैंक यू। संगत जी हम शुक्राना करते हैं गुरु जी का, लख लख शुक्राना आज हुए सत्संग के लिए, सत्संग के दौरान सेवा करते हुए जो भूल चूक गलतियां हमसे होती हैं उसके लिए गुरु जी से और आप सबसे माफी चाहते हैं। समाप्ति से पहले सरबत के भले की अरदास करते हुए गुरु जी के चरणों में ये अरदास है कि गुरु जी आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, सबको देर उगता बख्शें, सबके अंग संग सहाय रहें। इसी के साथ अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे और अब हम मंत्र जाप करेंगे, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि मेरी सुगंध सबसे पहले आती है, वह व्यक्ति बहुत ही सच्चा भक्त होना चाहिए। और गुरु जी के जब सत्संग में पहली बार जाता है तो गुरु जी नई संगत को सबसे पहले ब्लेस करते हैं, इसलिए उसको सुगंध बहुत पहले आती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए बोलते हैं, मेरी बच्ची सच्चा भक्त बनने का वचन बता रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं कि 105 वचनों को पालन करना चाहिए सारी संगत को। जय गुरु जी, 105 वचन। संगत जी, गुरु जी के वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है गुरु जी का आश्रम, वहाँ पे 105 वचन दिए गए हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ें, आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो गुरु जी की मिलती रहेगी। अगले सत्संग में मिलते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत का हमेशा भला करना, कल्याण करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।